पचमढ़ी रोड पर स्थित सिद्ध विनायक गार्डन में शहर के समाज सेवी संस्था पासा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में शहरवासियों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां प्रेषित की। वहीं इसी कार्यक्रम में नमस्ते कैफे के संचालक गौरव मल ने डीजे साउंड लगाकर उत्साह को और भी खुशनुमा बना दिया। पासा के सह संस्थापक हरीश गोस्वामी ने बताया कि शहर में भाईचारा कायम रहे इसलिए एक छोटा सा आयोजन सिद्ध विनायक गार्डन में किया गया है। आज शहर के बड़े छोटे नागरिकों ने उत्सव में भाग लिया, एक दूसरे से परिचय हुआ। हम लोगों में भाईचारा हमेशा यही साथ कायम रहे इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं होली की बधाइयां समस्त देश को प्रेषित करता हूँ। चलिए, हमने होली का सेलिब्रेशन रखा कैफे नमस्ते और पिपरी ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन, जो पासा नाम से जानते हैं जिसको, दोनों ने एक कोलैबोरेशन के रूप में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और पिछले दो साल से वो लॉकडाउन और कोरोना की गाइडलाइंस के कारण होली लोग खेल नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि इस बार कुछ अच्छा करते हैं, स्पेशल करते हैं। और जो कि बाहर जो मेट्रो सिटीज़ में होता है, भोपाल इंदौर जैसे शहरों में, क्या अपने पिपरिया में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि करते हैं, तो कर लिया बस। और देख रहे हैं आप सब लोग, एंजॉय कर रहे हैं। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।